प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में चल रहे अवैध माफिया और ड्रग माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया है, लेकिन अभियान की आंखों में धूल झोंककर रतलाम के सेलाना बस स्टैंड पर अदिति मेडिकल एजेंसी खुलेआम गर्भपात की दवाई बेच रहा है। इसी के चलते मुखबिर की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर सारिका अग्रवाल ने एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर भेजा, जिसने गर्भपात की दवाई लेने को कहा। मेडिकल संचालक तुरंत पैसों के लालच में दवाई दे दिया। उसी वक्त ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकान संचालक को रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन इसमें सोचने वाली बात तो ये है कि सिर्फ पंचनामा बनाकर ड्रग इंस्पेक्टर वहां से चले गए। अगर इन लोगों पर समय रहतर कार्रवाई या इनका लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा तो बेखौफ ऐसे लोग चंद पैसों के लिए भ्रूण हत्या करेंगे। देखने वाली बात यह है कि अब इस पर कड़ी कार्रवाई कब, कौन और कैसे करेगा। यहाँ पर मेडिकल पे सूचना मिली थी कि एमटीपी पिल्स बेची जा रही है और एक को हमने हिम्मत जेठवार जी को ग्राहक बना के यहाँ पर भेजा तो ये पाया गया कि एमटीपी पिल्स का विक्रय हुआ है, वो भी बिना प्रिस्क्रिप्शन पे। तो उसकी उस संबंध में आगामी कार्रवाई की गई है। एक स्ट्रिप मिली है, जो एमटीपी की किट होती है वो एक टैबलेट, एक पूरी किट मिली है। अब और देखा गया है, पर वो उस समय बुलाकर दी गई थी, इसलिए और दवाइयां इस संबंध में नहीं मिली। ये आगे इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो होगी और आगे की अपडेट्स आपको दे दी जाएगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को